टाटा का यहाँ लोगो देख पाओगे, स्टील रिम्स का हमारा, तो वो हटा के एलॉय का अपग्रेड होना है। टायर सारे खुल के जा चुके हैं। हाँ। ये सीट वर्क की मैचिंग का कराया पूरा इंटीरियर हमने। हाँ हाँ। और ये ब्लैक में रेड जो डायमंड कट है, इससे भी लुक काफी अच्छी आ रही है। बहुत अच्छा इनबिल्ट लग रहा है पूरा। पिछली वीडियो में हमने दिखाया था हाँ हाँ। गाड़ी में टैन कलर का इंटीरियर करा था। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या करा हमने, ब्लैक पे सीट वर्क की मैचिंग का रखा, रेड स्टिचिंग में अपना डायमंड हो गया पूरा, ये हो गया भाई। देखो सीट कवर से पूरा मैचिंग है। क्रिस्टल कार सिंगर है, रिकमेंडेड पूरा। आपकी वीडियो में कमाल है, मैंने आपके एक नहीं पता नहीं कितने वीडियो देखे हैं। ठीक है, जब से मतलब लेने का प्लान किया तब से चल रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल, और मुझे दिखाई देता है। ठीक है, और भी है मैंने हाँ हाँ। जो चीज हो गई, और इन्होंने नहीं देखा ये, और मैंने इनको मतलब रेकमेंड किया और तब जाके ये सेटिस्फाइड हुए हैं। मतलब वरना मैंने इनको यही रेकमेंड किया, यहाँ पर अगर आना है ना, यू हैव टू सेलेक्ट वन पर्टिकुलर थिंग। अगर आप ऐसे जगह जगह जाने लग गए, ऐसे चक्कर लगाते रहोगे ना, वो बात सही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वंस अगेन आए डिजिटल कार सिंगार, और हमेशा की तरह हमारे सामने नेक्सॉन का एक्सी, बट यहाँ पे भाई टाटा किंग है हमारे, तो इसको एक्सी तो रहने नहीं देंगे। साथ साथ कुछ और मेजर अपडेट होना है, इसमें काफी कुछ अपडेट होना है, तो हमारे साथ है हमेशा की तरह धर्मेंद्र भैया। कैसे हो? बहुत बढ़िया धर्मेंद्र भैया। आज के इस ब्लॉग में इस नेक्सॉन को किस लेवल की लेके जा रहे हैं हम लोग? इस नेक्सॉन को हम ले जा रहे हैं मीडियम में ले जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर पावर विंडो भी लगा रहे हैं, सेंट्रल लॉकिंग भी लगा रहे हैं। ठीक है, और क्या नाम है, सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम। ठीक है, और कुछ छोटे मोटे एक्सेसरीज है वो लगेंगे। हाँ हाँ। और साथ में ये अलॉय व्हील भी लगा रहे हैं भैया। ठीक है, अलॉय व्हील अपने शॉप पे लग रही है। हाँ हाँ। हम नहीं रखते। ठीक है, तीन चार दुकान उसमें लगा देते हैं। ठीक है, और उनके डिजाइन दिखा देते हैं। मतलब पर्टिकुलर हमारा काम नहीं है, बट कोई लगवाना चाहे तो लगवा दे। बिल्कुल लगवाते हैं। ठीक है, यही शॉप है करोल बाग में, इनकी तीन चार शॉप है, वहाँ दिखा देते हैं, जो अच्छा लगता है वो लगा देते। अच्छा, मतलब ऐसा है कि ग्राहक को जो डिजाइन पसंद आया अपने हिसाब से आप लगवा लीजिए। चलो, आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट करवा दोगे। चलो भाई, बढ़िया चीज है। तो ये देखो भाई, बिल्कुल एक्सी था, तो इसमें नॉर्मल आप लोगों को स्टील रिम्स आता है, जैसा कि आप लोग ये टाटा का यहाँ लोगो देख पाओगे, स्टील रिम्स का हमारा, तो वो हटा के एलॉय का अपग्रेड होना है। टायर सारे खुल के जा चुके हैं, उसके अलावा मिरर खुला भी है। ऑटो फोल्ड का अपग्रेड हो रहा है या फिर मिरर का ढक्कन चेंज है? ये ढक्कन चेंज करेंगे, ऑटो फोल्ड अभी नहीं करवा रहे भैया। ठीक है, जो इसे ढक्कन लग के आया था, ये मैट ब्लैक लग के आता है। अच्छा, ये मैट आता है। ठीक है, और जो टॉप मॉडल में आता है, जो मिरर फोल्ड वाला आता है, हाँ, उसके अंदर आता है ग्लोसी ब्लैक आता है। तो भाई टाटा का ये देखो, टाटा के जेन्युइन नहीं है। हाँ हाँ, देख सकते हो। ये देखो भाई, यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा दूँ, ये कोई रैप नहीं है, जेन्युइन पर्टिकुलर पीस है, पार्ट है, ये देख सकते हो, एमआरपी वगैरह सारा कुछ। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो भाई, ये वाला पूरा ग्लोसी का। अच्छा, ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, ये यहाँ पे प्रॉपर भी लग जाएगा। ठीक है भाई, ये बढ़िया चीज है, यहाँ पे देख पाओगे भाई आप लोग, प्रॉपर इसको फिटिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ। और जो काम हो रहा है, रूफ रेल भी लगाई है। ठीक है, और ये हैंडल को क्रोम करवाया भी है। ठीक है, ये जो मैट ब्लैक आता है उसको क्रोम करवा दिया। ठीक है, और अंदर की तरफ डैम्पिंग भाई ये देखो, यूनिफाइड की डैम्पिंग हुई है अपने सिंगल लेयर। ठीक है, इन्फिनिटी हरमन के स्पीकर लगे हैं प्राइमर सीरीज के। ठीक है, फ्रंट में कंपोनेंट और बैक में कोएक्सियल कोएक्सियल जो हमेशा की तरह सेटअप होता है हमारा। ठीक है भाई, ये देख लो, ये बढ़िया चीज है। पीछे पावर विंडो लग के नहीं आता, तो ओरिजिनल पावर विंडो लगाएंगे, कपलर टू कपलर जेन्युइन। ठीक है, जो फ्रंट से ही कंट्रोल होगा। ठीक है, हमेशा की तरह जो हम दिखाते हैं, रिकमेंड भी करते हैं। ठीक है भाई, तो देख लो आप लोग, बाकी डाई वाली फ्लोरिंग हो चुकी है हमारी, बिल्कुल एस टू एस प्रॉपरली फॉर नेक्सॉन। ही देखो पूरी फिटिंग आप लोग देख सकते हो। फिनिशिंग के लिए जाना चाहता है डिजिटल कार सिंगर, हमेशा मैं आपका वही रिकमेंड करता है। और भी डायमंड डिजाइन में रेड स्टिचिंग के साथ है सीट कवर। हाँ जी, डायमंड डिजाइन में सीट कवर भी लगा रहे हैं। हाँ हाँ। और अपना डोर पैनल भी करेंगे। अच्छा, डोर पैनल भी होना है, डायमंड में ही होगा। हाँ हाँ। ब्लैक एंड रेड में। ठीक है, और ये हरमन के टूटर ये देख सकते हो, जो कंपोनेंट के साथ में आता है। ठीक है, ये प्रॉपर जो प्लेसिंग होती है वहाँ पे कर दिया जाएगा, गत्ते के अंदर जो नेक्सॉन में यहाँ पे जगह दिया हुआ है उसी जगह प्रॉपर ये फिट हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़िया चीज है गाइस। तो डोर पैनल पे जब स्टिचिंग होके आ जाएगी, तो इसको वहाँ पे एक्यूरेट जगह लगा दिया जाएगा। काफी कुछ का अपग्रेड है, पूरी गाड़ी खुली पड़ी है। अभी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी लगेगा इसके अंदर। हाँ, अभी नॉर्मल है ये, स्टीयरिंग कवर है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगना है इसमें। वो पीछे की तरफ चलते हैं एक बार, भैया कुछ नया अपडेट दिखा रहे हैं आप लोग को, तो ये देखो हमेशा। ठीक है, ये लग चुका भाई टाटा के लोग, लग के नहीं आता है इसके अंदर। ठीक है, और एक बैक कैमरा भी लगा रहा है, ओएम कैमरा, अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा पूरा ये। ठीक है, अभी ये बाहर एडजस्टिंग के लिए, एडजस्टिंग होगी, अभी सेटिंग करके पूरा इसको फिट करेंगे। ठीक है, और टॉप मॉडल में लग के आता है ना, इसी जगह पे लग के आता है। बिल्कुल, जो हम शुरू से लगाते हैं उसी जगह पे हम लगाते हैं। ठीक है जी,
तो भाई अब हो जान दो काम, ये देखो पूरी वायरिंग होती है देख सकते हो, ठीक है भाई, और सारा अंडरग्राउंड हो जाएगा, सारी अंडरग्राउंड वायरिंग है, ठीक है भाई, कहीं से आपको वायरिंग नहीं दिखेगी। तो ये पुराना सारे पार्ट्स है, अब इसमें ये पूरा पैकेजिंग हो जाएगा, इससे दोबारा ग्रैब हैंडल भी लगना है भैया, ये ग्रैब हैंडल भी अभी लगाने हैं, ठीक है, और ये सामान जो उतरे वो रखवा दिया है, बाकी और भी सामान निकलेंगे वो सब दिखा देंगे आपको लास्ट में, ठीक है भाई, तो ये सब काम चल रहा है। तो गाइस एक बार अब हो जाए कंप्लीट, फिर मैं आपको और एक चीज डिटेल में, ये है वो फाइनल टाइम जिस टाइम हमारी नेक्सॉन पूरी रेडी हो गई, और भाई एलॉयज देखो कितने ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, और आज जो ये DRL लगी है ना इसने इस गाड़ी में भाई चार चांद लगा दिए, तो धर्मेंद्र भैया अलग ही लेवल की आज ये रेडी हुई है कार हमारी, फ्रंट से जो ये DRL लग जाती है ना नेक्सॉन में, हाँ हाँ, बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी इन बिल्ट लग रही है, ये देखो भाई बहुत प्यारी, और रोशनी भी अच्छी खासी है भाई इसकी, और DRL का जो फॉर्म है ना ये नहीं लगता कि कुछ आफ्टर मार्केट है, ऐसा लगता है कि भाई ये पूरा इंस्टॉल होके आया है, यहाँ से भी मैं डीपली आप लोग को दिखाऊं, होप कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई करके आप लोग को दिखा रहा होगा, S2S फिटिंग आई है पूरी और काफी अच्छा है भैया, चलने वाली चीज है, हाँ जी चलने वाली चीज है, चलने वाली चीज है बिल्कुल, मतलब हम तो वही चीज लगाते हैं चलने वाली, चलने वाले हाँ जी, तो भाई पहले ही आप लोग को हर चीज बता दिया जाता है, तो फॉग लाइट नहीं आता इसमें, यूनोमिंडा का फॉग लाइट हमेशा की तरह रिले के साथ इसमें लगाया गया, हाँ जी चलो भाई बढ़िया चीज, अभी और कुछ फ्रंट में अपग्रेड किया गया, फ्रंट में यही हुआ है, ठीक है, और साइड में की बात करें, हाँ हाँ, तो भाई एलॉयज देखो सबसे पहले मेरे को प्यारे लग रहे हैं, और एलॉयज भाई उसी टायर में लगाए गए हैं, और अंदर से कैलिबर रेड करके, इसने भी मतलब गाड़ी का ना गाड़ी में कुछ ना हो एलॉय लगे हो, लुक ही चेंज हो जाती है बिल्कुल भाई, मजेदार चीज है। तो गाइस मिरर का जब मैं आप लोग को स्टार्टिंग में दिखा रहा था कवरिंग चेंज का, तो देख लो मैट ब्लैक से हटके हमारा ग्लॉसी ब्लैक पियानो ब्लैक जो टॉप मॉडल में आता है वो हम लोगों ने लगा दिया, टाटा की जेन्युइन पार्ट है ये, पूरा पार्ट चेंज किया गया है, हां ठीक है, साइड से बात करें तो ये रूफ रेल भी ऐड करा है, ये देखो भाई रूफ रेल नहीं आता पहले, तो रूफ रेल इसमें ऐड ऑन किया गया, ये देख लो भाई पूरा रूफ रेल, और इसका लेवल ही अलग है रूफ रेल का, और बिल्कुल भाई चीज ही अलग है, स्टार्टिंग से लगाते हैं पूरे प्रॉपरली नेक्सॉन का, कुछ यूनिवर्सल नहीं है, तो जेन्युइन चीज तो जेन्युइन हो, बढ़िया चीज अभी उसके अलावा ये अपनी डोर हैंडल क्रोम कराया हमने, ठीक है हैंडल डोर क्रोम हो गया हमारा, इसके अंदर क्रोम है, ग्लॉसी ब्लैक चाहिए तो ग्लॉसी ब्लैक भी है, अच्छा दोनों ऑप्शन है, ठीक है, क्रोम करवाना था तो क्रोम करा हमने, ठीक है भाई चलो आपके ऊपर ऑप्शन है भाई, पीछे की तरफ वही हम चलते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे भाई OEM कैमरा स्टार्टिंग में आप लोग देख रहे थे इंस्टॉल होते हुए, अब प्रॉपरली ये लग चुका है, और हमेशा की तरह जेन्युइन चीज है भाई, जेन्युइन हम लोगों ने आप लोग को रिकमेंड करा वही जेन्युइन चीज है, और पीछे की भी है यहाँ पे ब्रेक लाइट भी लगी है, ब्रेक लाइट है ये भी जेन्युइन है टाटा जेन्युइन, ठीक है ये मैं ब्रेक लगा के दिखाता हूँ, तो गाइस मैं आप लोगों ने एक बार चेकआउट कराता हूँ ब्रेक लाइट, तो ये देखो भाई यहाँ पे आप लोग चेकआउट, ये देखो भाई ब्रेक लाइट हमारा पूरा प्रॉपरली ऑन हो गया, और इसका लेवल ही अलग है भाई, आप लोग चेकआउट कर पाओगे इस चीज को, ये देखो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है अभी, अब मजेदार चीज भी, एक बार बूट ओपन कर देना, तो गाइस बूट में क्या मॉडिफिकेशन हुई है वो भी मैं आप लोग को चेकआउट करा देता हूँ, तो ये देखो यहाँ से हम लोगों ने बूट को ओपन करा, आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा दिया था, अगेन आप लोग को जेन्युइन पार्सल ट्रे दिखा दूँ, तो टाटा का लोगो यहाँ पे S2S फिटिंग के साथ हमारा हमेशा की तरह तो जेन्युइन होता है, जेन्युइन बिल्कुल ओरिजिनल टाटा की जेन्युइन ट्रे है ये, हाँ हाँ, और पूरी जो इसकी जो फिटिंग है उसी फिटिंग में प्रॉपर फिट होता है ये, ठीक है पूरा ये देख लो भाई जेन्युइन चीज है, और ये पुराना सारा सामान, भाई ये देख लो मैट हो गया, मैनुअल हटा के जो हमने पावर विंडो कर दिया वो हो गया, सारी कैंचिया हो गई, कवरिंग हो गया मैट ब्लैक, देख लो मैट ब्लैक हटा के जो है ना टू डोर पावर विंडो लग के आता है, ठीक है के अंदर, ठीक है टू डोर वाला निकाल के हमने फोर डोर पावर विंडो लगाया है, ओरिजिनल जेन्युइन टाटा की रहने वाली होगी, और फ्रंट से बैक को कंट्रोल करेंगे, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ, चलो तो गाइस मैं सीधा आप लोग को इंटीरियर में ये सब चीज चेकआउट करवाता हूँ, सो गाइज इंटीरियर से पहले सबसे जरूरी चीज होता है जो कि बेस मॉडल में आपको कंपनी ऑफर नहीं करती, और ये सबसे जरूरी चीज होता है हमेशा की तरह हमारी तरफ से फुल रिकमेंडेड होता है, टाटा का लोगो RD आप लोग भाई समझ ही चुके हो जो हमारे पुराने भाई है, मैं आप लोगों को बता दूं भाई हमारी सेंटर लॉकिंग है फ्लिप की के साथ, ये हमारा लॉक और भाई हमारा अनलॉक, लॉक अनलॉक, इसमें भाई आपके ऊपर ऑप्शन है आप लोग चाहो तो इसको सायरन लगवा सकते हो या हटवा भी सकते हो, हाँ जी सायरन इसके RD के साथ और सेंटर लॉकिंग के साथ में आता है, तो कस्टमर का था कि सायरन नहीं चाहिए मुझे, आवाज नहीं चाहिए, ठीक है तो सायरन का आवाज बंद कर दिया इसमें, ठीक है और लॉक मतलब लग्जरी कार्स में जैसे होता है ना फीचर अनलॉक का बिना सायरन का, तो वो देख लो ये अनलॉक मैं आपके आगे करूँ, ये लॉक हो गया भाई, ठीक है भाई बेहतरीन चीज है, अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं, मेन चीज हमारा पावर विंडो, तो वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइस, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे की लगाऊंगा तो ये सब कुछ मैं आप लोग को ऑपरेट करके दिखा देता हूँ, उससे पहले भैया ये क्या चीज है भाई, डायमंड ये देख रहे हो यार, पूरा मतलब क्यूबिक शेप में कह लो डायमंड में कह लो, इसका तो लेवल ही अलग है भैया, ये सीट पर की मैचिंग का कराया पूरा इंटीरियर हमने, हाँ हाँ, और ये ब्लैक में रेड जो डायमंड कट है ये इससे भी लुक काफी अच्छी आ रही बहुत है, बहुत अच्छा इनबिल्ट लग रहा है पूरा, इसलिए वीडियो में हमने दिखाया था, हाँ हाँ, गाड़ी में टैन कलर का इंटीरियर करा बिल्कुल था बिल्कुल,
इसमें क्या करा हमने ब्लैक पे सिल्वर की मैचिंग का रखा, रेड स्टिचिंग में अपना डायमंड हो गया पूरा, ये हो गया भाई। देखो सीट कवर से पूरा मैचिंग है, तो इसके ऊपर भी आएंगे। पहले भाई हम लोग आप लोग को पावर विंडोज दिखा देते हैं, तो ये देख लो हमारा ऑल फोर लग गया, टू लग के आता था कंपनी से, टू डोर लग के आता है इस मॉडल के अंदर, एक्स के अंदर वो निकाल के हमने फोर डोर वाला है, और ये जेनुइन टाटा की है, पूरे जेनुइन टाटा की। देख लो भाई मैं आप लोग को दिखा दूं, ठीक है, और ये पीछे भी मैं दिखा देता हूं, तो गाइस साथ साथ मैं आपको पीछे में भी दिखा दूं, तो ये देखो देख सकते हो पूरा ये चेंज हुआ है और जेनुइन पार्ट है टाटा का, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैनुअल वाला जो हैंडल आता है घुमाने वाला, वो निकाल के पैक कर दिया है, ठीक है भाई, बेहतरीन चीज है। आप ऑपरेट करके आप लोग को दिखा देते हैं, तो यहीं से आप लोग इस चीज को चेकआउट कर पाओगे। देखो यहाँ पे ये देखो भाई फ्रंट का, ठीक है, ठीक है, वहीं से गाइस लेफ्ट का ही मैं आप लोग को दिखा दूं, तो वहां से आप लोग देखो भाई ये देखो ऊपर पूरा ऊपर हमारा, साथ के साथ पूरा नीचे। अब आता है मेन जरूरी, क्योंकि फ्रंट टू तो आप लोग को मिल ही जाता है, मेन होता है बैक का, तो वो भी एक बार पीछे का दिखा देना। ये देखो ये नीचे हमारा पूरा साथ के साथ, और यही साथ के साथ भाई पूरा फास्टली जो जेन्युइन टाटा में आता है, वो जेन्युइन चीज लगी है, तो पूरा जेन्युइन की तरफ वर्क्स करेगा। उधर का भी देख लो गाइस साथ के साथ, ये देखो ये हमारा भाई डाउन, और ये साथ के साथ भाई हमारा ऊपर, ये देखो लेवल ही अलग है इसका, बहुत प्यारा मजेदार चीज, और भाई जेन्युइन चीज तो जेन्युइन होती है, ठीक है। पीछे से भी ऑपरेट करके दिखा देते हैं एक बार, तो ये देखो भाई नीचे, ठीक है, और यही साथ के साथ ऊपर भाई, ये देखो पूरा वर्किंग, मतलब बेस मॉडल लेके आओ टॉप मॉडल लेके जाओ बिल्कुल। तो भाई बेस मॉडल यहाँ पे डिजिटल कार श्रृंगार पे आप लोग लेके आओ, और फिर भूल जाओ कि आप बेस मॉडल लाए थे, फिर ये सोचो कि आप सीधा टॉप मॉडल लेके जा रहे हो, वो भी अपने पसंद की टॉप मॉडल, टॉप मॉडल से ऊपर लेवल, ऊपर लेवल की, वो भी अपने पसंद की, अपने पसंद की बिल्कुल। चलो भाई ये बढ़िया चीज है गाइस, तो भी एक बार चाइल्ड लॉक भी दिखा देना, तो गाइस वो भी दिखा दो जो टॉप मॉडल में फीचर आता है। तो देखो ये पूरा हमारा ना वर्क ही नहीं करेगा चाइल्ड लॉक पे, ठीक है, अभी एक बार ऑन करना, तो ये देखो भाई ऑन करते हैं ना ये पूरा वर्क करने लगेगा, ये देखो ये पूरा हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ये देखो भाई। सो गाइज अब चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर भी इंटीरियर काफी प्यारा रेडी किया गया है, यहीं से आप लोग समझ गए, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो गाइज ये हमारी कार का कुछ इंटीरियर रहने वाला है, और भाई अंदर देखो यार कितना ही ज्यादा प्यारा है, सीट कवर देखो अगेन से भाई चार चांद, पूरा डायमंड डिजाइन, सेम वही कलर का आर्मरेस्ट, वही भी हमारा पूरा का पूरा डोर पैनल। हाँ जी बिल्कुल भाई मजेदार चीज है, सारा कुछ रेड स्टिचिंग पे है, तो भैया की स्पेशली ये डिमांड थी इस कलर की पूरी, भैया हाँ जी ब्लैक एंड रेड की थी, ठीक है, क्योंकि भैया की जो गाड़ी है ग्रे कलर की है, हाँ हाँ। सूट भी करती है, हाँ भाई ये चीज तो है भाई। ये आर्मरेस्ट जो है ना ये भी अफ्टर मार्केट है, ठीक है, और ये हमने लगाया जैसे प्लेटफॉर्म में लग के आता है उसी तरीके है, प्रॉपर है, ठीक है, और ये देखते हो ये देखो ये अफ्टर मार्केट है पूरा भाई, अफ्टर हाँ। ओरिजिनल भी है हमारे पर है ओरिजिनल वाला पूरा, ओरिजिनल की तरह ये ओरिजिनल जेनुइन है, वो पूरी कंसोल चेंज होती है जो पहले लगाया हुआ दिखाया हुआ है, तो वो भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है, ठीक है भाई बढ़िया चीज, दोनों चीज अवेलेबल है भाई हमारी तरफ से, तो यही रिकमेंडेड है, ऑप्शन आपके पास सारे मिल जाएंगे, ठीक है भाई। मैं अंदर की तरफ बैठता हूँ गाइस यहाँ पे साथ साथ, तो डाई वाली फ्लोरिंग भी यहाँ से मैं आप लोग को दिखा दूँ, तो ये देखो भाई फिट एंड फिनिशिंग डाई वाली फ्लोरिंग का, ये देख सकते हो, ये देखो भाई पूरी डाई वाली फ्लोरिंग है भाई, S2S फिटिंग, आपने स्टार्टिंग में जब सीट्स खुली हुई थी मैंने आप लोग को दिखा दिया था सब कुछ, और भैया ये भी आज पैनल चेंज हुआ है पूरा, ये भाई आपको ब्लैकआउट आता है बेस मॉडल में, टॉप में आप लोग को क्रोम मिल जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे पार्ट स्टार्टिंग से आप लोग को दिखाया, क्रोम चेंज हुए हैं इसी बैंड के, यहाँ से भी और वाले, ये भी देखो भाई सारे पार्ट यहाँ पे चेंज हुआ है, और काफी व्लॉग में दिखा चुके हैं गाइस, यही मैं आप लोग को बताता हूँ ना व्लॉग बनाने का फायदा होता है, हर गाड़ी भाई अपने हिसाब से रेडी होती है, तो आपको किस लेवल की रेडी करानी है आप सब में से भाई अपना दिमाग लेके अपने हिसाब से रेडी करवा सकते हो, सारी चीज बताते हैं कि क्या क्या लगवाना है सर, सारी चीज दिखाते हैं, ठीक है, जो कस्टमर का चॉइस होता है वो चीज लगाते हैं, चलो भाई बढ़िया चीज है। तो भाई स्टीयरिंग कंट्रोल आज भैया ने क्रूज वाला लगाया है, तो मैं आप लोग को हमेशा वीडियो में बताता हूँ, ऑप्शन है लेफ्ट का भी आप सिंगल रख सकते हो या आप क्रूज वाला भी लगवा सकते हो, दोनों साइड वाला अवेलेबल है, और इसमें कलर भी दो है, जैसे ग्लॉसी ब्लैक है इसमें मैट ब्लैक वाला भी, ठीक है, तो भाई सारे ऑप्शन है आप लोग को, भाई मैट ब्लैक लगा लो या ग्लॉसी ब्लैक लगा लो, लाइट वर्क कर रही है, हाँ हाँ पूरी ये लाइट वर्क कर रही है दोनों दोनों तरफ, ठीक है, और ये चलेगा आपका ये वाला पूरा बटन, ये सारे चलेंगे, ये वाले नहीं चलेंगे, अच्छा क्रूज का वर्किंग नहीं है भाई, बढ़िया चीज है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइस, ये देखो साथ के साथ भाई यहाँ पे एंड्रॉइड लगाया गया, ये भी ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम में रखा गया है, तो भाई ये आप लोग चेकआउट कर पाओगे, पूरा हमारा कार प्ले रहने वाला भैया, हाँ जी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले, 4GB रैम है, 32GB इंटरनल मेमोरी है, T5 प्रोसेसर है, ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन है आप फ्रंट कैमरा भी चलाना है तो वो भी चलेगा, और 360 चलाना है तो वो भी चलेगा, ठीक है, ऑप्शन सारे मिल जाते हैं इसमें,
ठीक है भाई, बढ़िया चीज है गाइस। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे साथ साथ ग्रैब हैंडल्स मैं देख पा रहा हूँ, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था बूट में वो भी लग गया। ये देखो भाई जेन्युइन फिटिंग के साथ यहाँ पे लग चुका है हमारा, और पीछे वाला भी आप लोग चेकआउट कर पाओगे भाई, बहुत बेहतरीन चीज है। हमेशा की तरह यूएसबी जो हम लगाते ही लगाते हैं कार में, तो यूएसबी ओरिजिनल वाला यहाँ पे लग गया, ओरिजिनल टाटा जेन्युइन वर्किंग है ये। ठीक है गाइस, अब मैं आप लोगों ने रिवर्स कैमरा दिखा देता हूँ। ये देखो हमारा रिवर्स कैमरा कितना ही ज्यादा बढ़िया है। पीछे भाई सेल्टॉस देखो, पूरी विजुअल है, क्रेटा आ रही है पूरी विजुअल है, और पूरा सेंसर वर्किंग है देख रहे हो, हमेशा की तरह पूरा सेंसर जो वर्क करता है पूरा हमारा सेंसर वर्क कर रहा है, बेहतरीन चीज है भैया। उसके अलावा और कुछ अपग्रेड किया गया इसमें? इस गाड़ी के अंदर यही हुआ है, मोटा मोटा सारे काम यही हुआ है। ठीक है, बहुत सारे नेक्सॉन के लिए अपने पास एक्सेसरीज अवेलेबल है, ओरिजिनल टाटा जेन्युइन अपर मार्केट, तो लगवा सकते हैं, जैसे कि एम्बिएंट लाइट लगवा सकते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारी डोर हैंडल चेंज करवा सकते हैं आप लोग, क्रोम वाली है ठीक है, फ्रंट हेडलैम्प में एलईडी इंस्टॉल करवा सकते हैं, और ऐसी बहुत सी, मतलब जैसा आपका टेस्ट है उस हिसाब से पूरा रेडी करवा सकते हैं। इसकी फ्रंट एंड रियर एबीएस गार्ड है, साइड फुटरेस्ट है ठीक है, डोर वायर, ऐसे बहुत सारी एक्सेसरीज नेक्सॉन के हमारे पास अवेलेबल है, और बहुत सारी उसमें वैरायटी है, वैरायटी काफी मिल जाती है, जेन्युइन पार्ट्स का, तो बढ़िया चीज है गाइस। आप सीधा सर भैया का रिव्यू लेते हैं एक बार कि उनको काम कैसा लगा, बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ कि यार आप लोग को कैसा लगा, और सीधा फिर भैया और सर का रिव्यू ले। सो गाइस ये हमारे सर की और भैया की नेक्सॉन थी, तो सर और भैया आए डिजिटल कार्स का धर्मेंद्र भैया के पास। तो भैया आप व्लॉग्स देखते थे, कैसा आज रिस्पॉन्स रहा, मॉडिफिकेशन किस लेवल की हुई है? ठीक है, जो भी मैंने मॉडिफिकेशन, मैंने एक नया इसमें करवाया, वो जो सीट कवर से मैच करा था, हां पूरा पूरा बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो डीआरएल ये ज्यादा करवाई नहीं है, मैंने ही करवाई। ठीक है, मतलब बेसिकली आपने अपने टेस्ट के हिसाब से मॉडिफिकेशन। ठीक है बिल्कुल, भी आप भी बता दो थोड़ा, आगे म्यूजिक सिस्टम और वगैरह भी एकदम अच्छा है, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, जो आता है सिस्टम का वही लगा है सारा। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया, सब बढ़िया, आउटपुट बहुत बढ़िया है, आप सेटिस्फाइड है पूरा? अरे पूरा, मतलब हम वीडियो में सही दिखाते हैं ना सर? करेक्ट, ये बढ़िया चीज है, डिजिटल कार सिंगर है रिकमेंडेड पूरा, आपकी वीडियो में कमाल है, मैंने आपके एक नहीं पता नहीं कितने वीडियो देखे हैं। ठीक है, जब से मतलब लेने का प्लान किया तब से चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे दिखाई देता है। ठीक है, और भी है, मैंने जो चीज हो गई, और इन्होंने नहीं देखा ये, पर मैंने इनको मतलब रेकमेंड किया और तब जाके ये सेटिस्फाइड हुए हैं, मतलब वरना मैंने इनको यही रेकमेंड किया, यहाँ पर अगर आना है ना, यू हैव टू सेलेक्ट वन पर्टिकुलर थिंग, अगर आप ऐसे जगह जगह जाने लग गए, ऐसे चक्कर लगाते रहोगे ना, वो बात सही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मामले में धर्मेंद्र भैया का मैंने देखा था, तो मैं तो घर के उनसे मिला जैसे कि वो मुझे जानते हैं, मैं जानता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीडियो सुन ली, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जानते नहीं, ऐसे नहीं कुछ नहीं, लेकिन मैं जब वो आए ना, मैंने कहा अरे कैसे, कहाँ हो, क्या है, ऐसे लगा जैसे मतलब फैमिली फैमिली बन गई है, बस प्यार है, ये प्यार सपोर्ट है। धर्मेंद्र ये भैया तो खुश हो गए, और किसी भाई को खुश होना है तो फिर से कहाँ आना है? शॉप नेम डिजिटल कार्स कार करोलवाग, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर 9899097797। चलो भाई बढ़िया चीज है गाइस। तो आप लोग भी प्लान कर रहे हो नेक्सॉन का या नेक्सॉन मॉडिफिकेशन का, बेस मॉडल आप लोग ले चुके हो, डू कॉन्टेक्ट डिजिटल कार सिंगार। बाकी भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।